हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट। भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो आइए, न्यू इन्फॉर्मेशन, जो वैकेंसी एसएससी जीडी की थी वो इंक्रीज हो गई है। अब टोटल 50,000 वैकेंसी हो गई है। तो एक बहुत ही खुशखबरी, जिनका भी एग्ज़ाम अच्छा गया है उनके लिए बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है। खुशखबरी की बात है, आप लोग अच्छे से दौड़ की तैयारी कीजिए और देखिए कौन कौन से सेक्शन में सीट इंक्रीज हुआ है। तो आइए हम लास्ट पेज पे इनके चलते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस आज ही का है, तो 20 मार्च को ये नोटिस आया है। और देखिए ये इंक्रीज वैकेंसी कितनी हुई है। जो पहले 45,000 के आसपास थी तो वो अब 50,000 हो गई है। बीएसएफ में टोटल 17,000 सीट हो गए, 17,843 सीट हो गए। वहीं सीआईएसएफ में 54,447, सीआरपीएफ में सबसे ज़्यादा कितने हैं, 10,589 सीट हैं। एसएसबी में 2,031 सीट, 4,796 आईटीबीपी, असम राइफल में 3,533 सीट और एसएसएफ में 160 सीट, यानी टोटल 44,349 सीट किसके हैं, ये मेल के सीट है। और फीमेल के टोटल सीट देख लें तो इनका इंक्रीज कितना है, तो 5,573, यानी टोटल 50,012 सीट्स हैं। वहीं एनसीबी की बात कर लें तो 175 सीट, यानी टोटल 50,187 सीट इंक्रीज होके हो गए हैं। तो अब जिनका भी एग्जाम अच्छा गया था, और कटअप तो अब थोड़ी सी तो कम जाएगी ही, 1-2 नंबर का फर्क यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि वैकेंसीज अगर इंक्रीज हुई है तो क्या होगी, कटअप डिक्रीज होगी। तो कैसा लगा ये खुशखबरी, कमेंट करके जरूर बताइए। और किसका कितना मार्क आ रहा है सर के में, वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लास्ट में जिनका भी अब अच्छा नंबर आ रहा है, यानी कि 50 के आसपास आ रहा है रो मार्क, यानी कि 45 से ऊपर जिसका आ रहा है तो वो दौड़ के लिए लग जाए। और डेफिनेटली 50 के आसपास के वाले के जिनका भी है उनका मेरिट बन जाएगा। तो 45 नंबर से ऊपर वाले अपना दौड़ अभी कंटिन्यू कर लें, क्योंकि उनका दौड़ अभी फिजिकल बाकी है। तो दौड़ के लिए सभी को शुभकामनाएं, जब भी डेट देगी और उनके लिए आप अभी से तैयारी में लग जाए। चलिए, थैंक यू।